आज मैक्सन फार्मा में जिस न्यूज़ के कारण शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है, इस वीडियो में थोड़ा उसमें चर्चा करेंगे। और एक समय में जब ये स्टॉक उस न्यूज़ के कारण लगभग 12% की तेज़ी दिखा रहा था, तो वहाँ से ऐसा आखिर क्या हो गया कि जब मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 2.25 हुए हैं, स्टॉक 12% से टूट करके अब लोग 6% के आसपास की तेज़ी दिखा रहा है। और जो मैक्सन फार्मा है, उसका इस एक्विजिशन में का मतलब क्या है? क्योंकि देखिए, न्यूज़ तो आप देख सकते होंगे, आप सर्च करेंगे आपको न्यूज़ तुरंत समझ में आ जाएगी, और लेकिन इस न्यूज़ से हमें क्या समझ में आ रहा है और कैसे ये न्यूज़ मैक्सन फार्मा की जो लॉन्ग टर्म, जो आप कह सकते हैं जो स्ट्रेटजी है, इसको बहुत शानदार तरीके से समझा रहा है। और यदि आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा, मैक्सन फार्मा में मैं आज से नहीं, पिछले काफ़ी समय से बुलिश रहा हूँ और हर एक गिरावट में सिर्फ खरीदारी की बातें करता हूँ। और लगातार ये दूसरी ऐसी न्यूज़ है जो मैक्सन फार्मा में शानदार तेज़ी की कह लीजिए सिनेरियो बना रही है, लेकिन जो एक रेजिस्टेंस है जिसे मैक्सन फार्मा बिल्कुल भी नहीं तोड़ पा रहा है, इसमें भी चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ मैं मैक्सन फार्मा के ऊपर। देखिए, टीवा फार्मा का, आप कह सकते हैं टीवा फार्मास्यूटिकल्स की जो बल्क जो फॉर्मुलेशन बिजनेस है गोवा प्लांट का, उसे ये कंपनी एक्वायर कर रही है। ठीक है, ये तो जानने की बात हो गई। ये जो पूरी की पूरी डील है, ये कैश के थ्रू होने वाली है, ऐसा अभी रिपोर्ट आ रही है। और इतना ही नहीं, ये पूरी डील कितने की है ये अभी रिवील नहीं हुआ है दोस्तों। तो ये तो कुछ बातें हो गई, आप कह सकते हैं डील को लेकर के। और इस डील में एक और चीज़ ये है कि जो उस प्लांट के जो पूरे कर्मचारी हैं, उनके साथ जो उस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो सेम कॉन्ट्रैक्ट मैक्सन फार्मा भी फुलफिल लगभग करेगी। तो ये तमाम छोटी छोटी सिनेरियो की, या कह सकते हैं कुछ न्यूज़ है, जिस न्यूज़ के कारण ये आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। और मोर और लेस जो ये एक्विजिशन है, ये बाज़ार को बहुत पसंद आया है। अब बात करते हैं एक्चुअल में, जो आप कह सकते हैं एक जो इंग्लिश की एक कहावत है, डेविल लाइज इन डिटेल, तो वही हम चर्चा करेंगे कि भाई इसका मतलब क्या है। देखिए, कुछ समय पहले मैक्सन फार्मा ने कहा कि भाई हम बाईबैक करने वाले हैं, उसके बाद फ्री एक्विजिशन। और आप समझें कि अभी इंडियन फार्मास्यूटिकल का जो पूरा बिजनेस है, वो बहुत ज़्यादा टफ टाइम से गुजर रहा है। रीज़न, आप अगर आप कह लीजिए फार्मा सेक्टर को या फार्मा की इंडस्ट्री को भारत की ट्रैक करते होंगे, तो आप एक पैटर्न देखे होंगे कि लगातार US FDA से हमें लगातार चेतावनी आ रही हैं, चाहे थोड़े समय पहले एलेम्बिक फार्मा हो, चाहे आप कह सकते हैं औरबिंदो फार्मा हो, और अभी तमाम चीज़ों से हमें बहुत सारी ऑब्जर्वेशन झेलनी पड़ रही हैं। देखिए, इसके एक रीज़न ये भी हो सकते हैं, अचानक से इंडिया US के रिलेशंस आपको पता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, और इस कारण लगातार ऑब्जर्वेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। और आने वाले समय में मुझे लगता है 6 से 8 महीना अभी भी पूरी पूरी फार्मा इंडस्ट्री के लिए हमारे बहुत टफ होने वाला है दोस्तों। और US का प्राइस इरोजन तो है ही, लेकिन ऐसे में जो मैक्सन फार्मा है, वो एक ऐसी पॉजिटिविटी, या आप कह सकते हैं ऐसी एक एज रखता है कि जो मैक्सन की जो मेन चीज़ें दोस्तों, वो आप कह सकते हैं वो जो ऑइंटमेंट ऑयल है, जो ऑइंटमेंट है, हाई एंड ऑइंटमेंट है, और जो आप कह सकते हैं ऐसी मेडिसिन जिसकी प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगती, उसमें मैक्सन काफ़ी हद तक फोकस रखती है। और जितने आप कह सकते हैं आने वाले समय भी काफ़ी अच्छे तरीके से ये अपने आप को उस पूरे के पूरे बिजनेस में स्टैब्लिश करने वाली है। और मैक्सन फार्मा की जो मुझे अभी करेंटली सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है, और कंपनी के जो बाईबैक डिसीजन है उसके बाद, इस चीज़ को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा निश्चिंत हूँ कि जो मैक्सन फार्मा है एज अ कंपनी, उसकी वैल्यूएशन बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है दोस्तों। डिस्क्लोजर के रूप में मैं आपको बता दूँ कि मैक्सन फार्मा में मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की स्टॉक में निवेश हो सकती है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा हो कि मैं थोड़े बायस्ड बात कर रहा हूँ मैक्सन फार्मा में, तो आप ये वीडियो छोड़ सकते हैं। बट मुझे लगता है अगर आप इसमें निवेश करें या ना करें, ये आपके वॉचलिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए, और आपको मैक्सन फार्मा के बारे में और भी हद तक रिसर्च करनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि मैक्सन फार्मा एक ऐसी कंपनी है दोस्तों, जो लॉन्ग टर्म में एक बहुत शानदार रिटर्न ज़रूर दे सकती है दोस्तों। अगर थोड़े समय शॉर्ट टर्म का अगर हम पेन झेल सकते हैं, क्योंकि आप देखिए निचले स्तरों पे 38-42 ह्यूज सपोर्ट है मैक्सन फार्मा का, लेकिन ऊपरी स्तरों में आप देखेंगे तो लगातार दो बड़ी न्यूज़, चाहे वो बाईबैक की हो, प्लस आप कह सकते हैं आज जो एक्विजिशन की हो, ये इसके 52 से 55 के जो रेंज है, इसे तोड़ने ही नहीं देगी दोस्तों। तो आप
जब ये स्टॉक 50 to 55 के आसपास हो तो वहाँ निवेश करने से मुझे लगता है एक बार सोचें, क्योंकि वहाँ से वापस से गिरावट होती है दोस्तों। और मार्क्सन फार्म में अगर आप देखेंगे तो गिरावट देखने को मिली रही थी, वहाँ से स्टॉक एक समय में 45 to 46 भी आया था, बट वो तो आप कह सकते हैं गनीमत हो इस न्यूज़ की जो स्टॉक को काफ़ी अच्छी रैली दिखाया दोस्तों। तो एज अ इन्वेस्टर मार्क्सन फार्मा में कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, हर एक गिरावट मुझे लगता है बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। करंट में कोई बहुत बड़ा निवेश लमसम करने से बचें। हाँ, जिन स्तरों में अभी मार्क्सन फार्मा है मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ज़रूर की जा सकती है दोस्तों, और जिस तरह का वैल्यूएशन है दोस्तों। लेकिन देखिए बाज़ार अभी भी थोड़ा वीक है दोस्तों, क्योंकि अगर बाज़ार में कुछ बहुत बड़ा गिरावट होता है तो आपको पता होगा जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पिटते हैं। तो ये चीज़ एज ए इन्वेस्टर आपके दिमाग में होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। और मार्क्सन फार्मा अब मुझे लगता है अगर 38-42 के आसपास आता है तो बहुत ज़बरदस्त बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी वहीं पर मुझे दिखती है दोस्तों। लेकिन फार्मा सेक्टर एज अ होल अभी काफ़ी हद तक मुझे लगता है 6-8 महीने में काफ़ी और स्क्रूटनी से गुजरेगा। थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, आप अक्सर अलग अलग फार्मा कंपनीज़ के बारे में सुनते रहेंगे कि भाई यहाँ ऑब्जर्वेशन आ गया, यहाँ इश्यूज़ हैं, तो ये चलता रहेगा, चाहे वो अरबिंदो हो, चाहे एलेम्बिक हो और चाहे अन्य फार्मा कंपनीज़ हो। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रख के निवेश कीजिएगा। मार्क्सन फार्मा मैंने आपसे जैसे कहा निचले स्तरों में 38 to 42, ऊपरी स्तरों में 50 to 55, ये दो ऐसी रेंज हैं जो निचले स्तरों पर तोड़ना और ऊपरी स्तरों पर तोड़ना बहुत टफ रहेगा मार्क्सन के लिए। तो आज की जो न्यूज़ है एक्विजिशन की, उस कारण इसमें तेज़ी हुई है। लेकिन सिर्फ इस तेज़ी के कारण आकर के आपको कोई बहुत बड़ा आप कह सकते हैं निवेश नहीं करना है, क्योंकि बाज़ार गिरावट दिखाएगा दोस्तों, तो शायद आज की जो तेज़ी है आने वाले समय आपको धीरे धीरे गिरावट देखने को मिल सकती है। बट होल एज अ कंपनी ये बहुत अच्छी है और करेंटली जिस वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है वो तो बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो यदि आपको मेरी ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।